एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। आज आप लोगों को क्वाड्रेटल के सीरीज में पैरेललोग्राम बताने जा रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो क्वाड्रेटल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लें हम लोग, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, इसका क्या बोलते हैं? बेसिक बात हम लोग जान लें, ए बी सी या एल ले ली या बी, आपको मालूम है कि ए बी समानांतर या होगा सी डी, या इसके समानांतर या लाइन इसके समानांतर, ए डी समानांतर हो जाएगा बी सी, साथ ही साथ या बराबर भी होगा, ए बी बराबर सी डी और AD बराबर BC। क्लियर है? तो पहली बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यदि इसको हम थीटा लेंगे तो आपको बता दिए थे जब दोनों समानांतर हो तो क्या हो जाएगा, या 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यह भी समानांतर या 180 माइनस थीटा, दिया थीटा हो जाएगा, और यह फिर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि इसका इसका योग 180, इसका योग 180, दो लगातार कोनों का योग 180 होगा पैरेललोग्राम में। तो यहां से होगा एंगल ए प्लस बी, एंगल बी प्लस सी, एंगल सी प्लस डी, एंगल डी प्लस सी, सब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि जो ए और सी दोनों बराबर होगा, और बी और डी भी आपस में क्या होगा। तीसरा बात यह ध्यान रखना है कि इसका डायगनल है ना, यह डायगनल बराबर नहीं होगा। देख के आपको पता चल रहा है कि डी वन इज नॉट इक्वल डी टू। साथ ही साथ अगला पॉइंट, हम चौथा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दिख पा रहा आप लोग यहां तक? ठीक है, ए बी सी डी, इसको भी मिला रहे, इसको भी अल्फा लेंगे, इसको बीटा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह साइड अलग अलग है, या एल है तो यह बी है, तो अल्फा इसके सामने अल्फा, इसके सामने बीटा ले लीजिए, इस साइड के सामने अल्फा, इस साइड के सामने बीटा, क्योंकि एल और बी बराबर नहीं है। इससे पता चलेगा, और यह जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, क्योंकि यह लाइन और यह लाइन समानांतर है, यह और यह समानांतर से ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ऐसी यह अल्फा यह अल्फा हो गया। इससे पता चल गया कि अल्फा और बीटा जो अलग अलग एंगल है, इसका मतलब वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा। ध्यान लिखेंगे, डायगनल नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट। अगला पॉइंट और हम लोग आगे करेंगे, इसको और मिला लेते हैं, मिला लिए। अब यहां से बताएंगे आप लोग यहां से कि यह जो देखना है ऊपर कट रहा है, ठीक है। यदि हम इसको मान ले कुछ और एंगल मान ले, यहां पे इसको हम थीटा मान लें, यह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, फिर यह ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, यह थीटा दिया क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब देखिए, यह त्रिभुज देखिए और यह त्रिभुज को देखिए, क्या देखना है, थीटा या अल्फा और यह एंगल और यह एंगल बराबर हो गए, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या सर्वांगसम हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कंग्रुएंट इसलिए होगा, चूंकि यह भुजा इसके बराबर है, इससे यह पता चलेगा कंग्रुएंट हो गया तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने का भुजा बराबर हो जाएगा। थीटा के सामने यह, इधर थीटा के सामने यह बराबर, अल्फा के सामने यह, इधर अल्फा के सामने यह बराबर, और एल और यह एल तो बराबर है। तो यहां से पता चल गया यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसको वो जो है डायगनल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पांचवा पॉइंट यहां लिख लेते हैं, दिख रहा आप लोगों को, डायगनल बायसेक्ट एट ओ, डैट इज ओ ए इक्वल ओ बी और ओ सी इक्वल ओ बी। मतलब क्या हो गया कि ओ ए जो है ओ बी के बराबर, ओ ए इक्वल ओ सी हो जाएगा, ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। बात क्लियर है? आगे चले, चले इसको नोट भी करते चले। पांच पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट विचार करते हैं। छठा पॉइंट, यदि यह पैरेललोग्राम हो, अभी हम लोगों ने देखा इसमें कि अल्फा, यह भी अल्फा,
या बीटा या बीटा, या थीटा या थीटा, या डेल्टा हो जाएगा। तो यहां पर क्या ऊपर कट रहा था, तो यहां डायगनल जो है डी वन मतलब ए सी परपेंडिकुलर नहीं होगा डी डी, डी वन परपेंडिकुलर नहीं है डी टू में। बोले कैसे नहीं, देखिए चूंकि यह बाइसेक्ट यदि करता, यदि यह और यह बाइसेक्ट करता, आपको मालूम है कि क्या होता है, यह और यह दोनों मिलकर 180 है, यह थीटा 180 माइनस थीटा, और जब यह बाइसेक्ट करता तब यह क्या होता 90 होता, जब यह और यह बराबर और यह और यह बराबर होता तो, है ना। कैसे देखिए, यदि मान लें इसको मान लें 60 30 30 60, इसको मान लें इधर 120 60 60, यह 120 में 60 इधर हो गया 60 में 30, क्योंकि यह 60 और 120 180 होगा ना, यह 30 बाइसेक्ट करेगा तो यह 60 60 30 90 या 90 होगा। कब होगा, जब यह बाइसेक्ट कर रहा था तो यह और यह बराबर, यह और यह बराबर, तब यह 90 हो रहा था, तो यह बाइसेक्ट कर ही नहीं रहा इसलिए यह 90 नहीं होगा। ठीक है, यह लिख दिए डायगनल परपेंडिकुलर। सातवां बात है, ये जो डायगनल है इसको दो बराबर एरिया में डिवाइड करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, राउंड होगा, इधर से लेंगे ए बी डी बराबर डी बी सी, सब किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा पूरे चतुर्भुज का आधा हो जाएगा, 1 बाय 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी। क्लियर, आठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, यह चार बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा, समझे ध्यान से, ए बी सी को आप देख रहे हैं, अभी हम जस्ट पढ़े ओ पर यह क्या होता है बराबर भाग में डिवाइड करता है, इस ओ इसको क्या क्या बीट पैट में मिलता है, इसका मतलब हो गया मीडियन हो जाएगा, जब मीडियन हो गया तो इसका एरिया एक इसका एरिया एक, इधर चलेंगे ये मीडियन होगा क्योंकि यह और यह हम लोग पढ़ चुके बराबर होता है, तो जब यह मीडियन हो जाएगा यह एक तो यह भी, उसी प्रकार यह भी मीडियन हो जाएगा यह एक तो यह, तो चार एरिया क्या हो गया बराबर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ, और यह क्या होगा एक चौथाई हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बात क्लियर है, आगे चले, ये आठवां पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लें हम लोग वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नाइन, ए बी सी, यह ए है यह बी, यदि आपको यहां का एंगल थीटा रहेगा तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया जो डिपेंड करेगा, दो ट्रायंगल बन रहा ये डायगनल दो भाग में डिवाइड किया तो दोनों का सम पर डिपेंड करेगा, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। और आपको मालूम है किसी त्रिभुज में यदि भुजा मालूम है बीच का कोण तो एरिया होता है 1 बाय 2 ए बी साइन थीटा, आपको हम बता चुके हैं कि ए और बी मालूम, बीच का कोण मालूम तो ए बी साइन थीटा हो जाता है, हाफ ए बी साइन थीटा, तो यहाँ बता सकते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, ए बी डी का एरिया, इसका एरिया बताइए, एल बी मालूम है बीच का एंगल मालूम है तो 1 बाय 2 एल बी साइन थीटा कट जाएगा, सॉरी 2 2 कट जाएगा एल बी साइन थीटा। एक ये तरीका, दूसरा आपका एरिया निकालने का तरीका यह भी होगा, या पहले ही बता चुके हैं यह दो डायगनल है बीच का एंगल यदि थीटा मालूम है तो क्वाड्रेटल में शुरू में फर्स्ट लेसन क्वाड्रेटल जनरल क्वाड्रेटल की जब बात की तो हम एरिया बता चुके हैं, क्या एरिया था वहां पे 1 बाय 2 डी 1 डी 2 साइन थीटा। एक और फॉर्मूला यहां निकल जाएगा, मान लीजिए इसका हाइट यह एच है तो यहां एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, देख सकते हैं क्या ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का एरिया का दोगुना करेंगे पूरे निकल जाएगा, ए डी बी का इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्वाइस 1 बाय 2,
आधार मान लिया एल है और ऊंचाई है एच, या कट जाएगा एल इंटू एच। कल में किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या, दो समानांतर भुजाओं के बीच का दूरी है ना, तो क्या हो जाएगा उसका न्यूनतम दूरी है, उसका ऊंचाई कम करेगा, इधर लंब होगा इधर भी लंब, क्लियर है। उसी प्रकार आपको इधर से मालूम होता ठीक है, यह मान लो एच वन होता फिर एरिया उधर से भी निकल जाता आपका एरिया, एरिया बी इंटू एच वन भी कर सकते थे, क्यों, बेस हो गया बी और हाइट हो गया एच वन, इधर से हो गया बेस एल और हाइट हो गया एच। बात क्लियर है, आगे चले चले नेक्स्ट में आपका है ए बी सी, यदि कहीं एक पॉइंट यहां पी ले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी जो होगा वो क्या होगा, ए पी बी का जो एरिया होगा पूरे का आधा हो जाएगा। बोले कैसे, चूंकि यह हो गया एल और यह हाइट ले ली एच होगा, तो इसका एरिया ए पी बी का कितना होगा, वन बाय टू एल एच, और इधर एरिया वही होगा, तो यहाँ इसका ए बी सी डी का एरिया कितना, बेस इंटू हाइट होगा, ए बी सी डी का एरिया है बेस इंटू हाइट, उसमें हाफ से गुना करेंगे जिसके बराबर आ जाए। कहीं पॉइंट पी लीजिए, कहीं भी या पॉइंट कहीं भी हो सकता है ठीक है, तो ए वन ए टू ए थ्री एफ, तो ए वन प्लस ए थ्री का एरिया जो होगा हुआ ए टू प्लस ए फोर के बाद, यही बात पीछे आपको प्रूफ कर दिया गया है ना, आप क्वाड्रेटर लेसन में जाकर देख सकते हैं, देखेंगे तो यहाँ भी आपको बता देते हैं, इसको मान लेते हैं यह हाइट को h1 और इस हाइट को h2 ठीक है, इस वाले भाग को एल एच एस भाग को लेकर चल रहे हैं, ए वन प्लस ए थ्री को लेकर चल रहे हैं, ए वन का एरिया बता सकते हैं या एल है, वन बाय टू एड हो गया बेस और यह हाइट कितना माने हुए एच वन, ए थ्री का एरिया बता सकते हैं बेस तो एल ही होगा और हाइट एच टू ठीक है, कॉमन यहां से आ गया वन बाय टू एल मिलेगा एच वन प्लस एच ठीक है, और एच वन और यह एच टू चूंकि यह लंब लिए हुए तो यह एच वन और एच टू मिलकर पूरा एच ले लेते हैं उसको, हो जाएगा वन बाय टू एल इंटू एच, जो क्या रहा है पूरे का आधा बता दिया, ये आपका एरिया हो गया वन बाय टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, या पूरे पैरेललोग्राम का समानांतर चतुर्भुज का आधा बता दिया, तो ए फोर और ए टू का एरिया क्या होगा, आधा होगा, इससे पता चल गया कि ए वन ए थ्री और ए टू ए फोर का एरिया, क्योंकि यह आधा और यह भी आधा। बात क्लियर है, मजा आ रहा आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ए बी सी समझेगा ध्यान से, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ठीक है देखिए ध्यान से देखिएगा, यह मान लेते हैं पी, यह है क्यू, यह है आर और यह है, तो चूंकि इसका इसका जोड़ कितना 180, तो 180 होगा तो यह बाइसेक्टर से कितना 90 बनेगा, क्यों 180 मान लिया 30 मान लिया भी 30 मान लिया 60 हो गया, इसको 60 इसको 60 120 120 और 60 180 तो 30 60 हो जाएगा आधा आधा करने का, ये 90 होगा तो 180 पड़ेगा, पता चल गया ये 90 हो जाएगा, उसी प्रकार यह भी 90 होगा, यह भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, चारों पर 90 हो गया, साथ साथ ध्यान रखिएगा कि यह और यह बराबर हो, 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 तो क्या बनेगा, चारों कोण बराबर हो गया और आमने सामने का भुजा बराबर है, या पी क्यू आर एस या रेक्टेंगल बन गया, कुछ लोग को लग रहा होगा कि यह स्क्वायर लग रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यह और यह भाग बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यह भाग और यह भाग बराबर है, तो यह और यह भी बराबर होगा, वो कैसे हो रहा है, इसको इसको सिमिलरिटी कर, इसको इसको कंक्रीट करके इसको इसको बराबर किया जाएगा है ना, तो आप सीधा इतना समझें
कि यह लेंथ और यह लेंथ जब बराबर है, यह और यह बराबर, यह और यह बराबर है, यह और यह बराबर है, बात कर लेना आगे चले। तो नेक्स्ट 15, 15 हम लोग को लाना है ए बी सी डी। चलिए देखिए इसको यदि मानेंगे थीटा तो यह आ जाएगा कितना 180 माइनस थीटा होगा। चलिए इसको मिला लीजिए, या एल है या बी है, एक बार लगाते हैं इंटेंगल ए बी सी में। इंटेंगल ए बी सी हम लोग यहाँ रिलेशन निकालने जा रहे हैं डायगोनल और साइड में। तो ए बी सी में आप बताइए कॉस थीटा कितना, ए बी सी में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी का नाम डी वन लेते हैं और बी डी का नाम डी टू लेते हैं, ठीक है। ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर डी वन स्क्वायर, यह बात पीछे आपको बता दिया गया है कोसाइन में, लेकिन तक कोई बात नहीं, जिनको मालूम नहीं पढ़ना पीछे देख लें। अब लीजिए डी बी सी में, डी बी सी में कॉस 180 माइनस थीटा इसको लेंगे क्या होगा, या एल तो एल है या घटेगा इस बार, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर, होगा। और बताइए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, होगा। इतना बात हम लोग समझ पाए होंगे कि यहां से कॉस थीटा निकल जाएगा माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर बाय ट्वाइस एल बी। क्लियर है? तो क्या कि एक बार ए बी सी में कोसाइन थोड़ा लगाए, एक बार डी बी सी में कोसाइन लगाए, दोनों आप ले लिया, इसमें आप नोट कर लें, फिर आगे हम चलते हैं। तो आप लोग अभी जस्ट देखा आप लोगों ने एक और दो से फ्रॉम वन एंड टू, तो दोनों का लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर ट्वाइस एल बी, इधर हो गया माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर ट्वाइस एल बी, यह कट जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर इक्वल हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी वन स्क्वायर प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या आ गया रिलेशन यहाँ पे, ए बी सी डी, एल या बी या डी वन या डी टू है, तो यह हो गया ट्वाइस ट्वाइस इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो गया डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। इसका मतलब हो गया डायगोनल के वर्ग का योग जो होगा वह दो गुना हो जाएगा किसके, दो लगातार भुजाओं के वर्ग का योग। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्वाइस एल स्क्वायर मतलब यह और यह भी है, ट्वाइस बी स्क्वायर मतलब यह बी और यह भी बराबर होता है, तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग, या किसको बता रहा है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप लोग समझ पाएंगे, आइए इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो चलो नोट करें वेरी फास्ट, देखिए पहला एग्जांपल ए बी सी, एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपको दे दिया ए बी 10 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर ए सी 12 सेंटीमीटर, तो बी डी बताना है, यहाँ ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर ए डी, बी सी ए डी के बराबर है समानांतर है, बी सी ए डी समानांतर है और ए बी डी सी समानांतर है। क्या रिलेशन पड़ेगी, ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, तो बताइए एल ए बी तो हो जाएगा 10, बी सी 8, डी वन ए सी हो गया 12 स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, सॉल्व होगा कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100 और यह 64, 164 का दुगुना 100 डी टू स्क्वायर, तो यहां से डी टू स्क्वायर निकल जाएगा
ये आप लोग को सॉल्व करना है, जो भी आएगा आप रूट से बाहर भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग देख लेंगे यदि मिस्टेक हो गया हो, ऐसे में भी सही है, क्लियर है। चलो और एक बेहतरीन सवाल लेते हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यह मिड पॉइंट है पी और इधर का मिड पॉइंट हो गया क्यू, ध्यान समझिएगा पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। इस सवाल एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह तो एग्जाम सीजन में आ चुका है। देखिए क्या करना होगा, आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, ऐसे हम इसको डिस्कस हम जो है पहले हम रेक्टेंगल में भी किया है, रेक्टेंगल का भी सेम आंसर आता है ना, क्या करेंगे देखो दूसरे कलर से निकल रहा हूं। सवाल इतना दिया गया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, P और Q मिड पॉइंट है, यह और यह बराबर है और यह बराबर है, मिड पॉइंट है, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ए बी डी, यह बनेगा जो ए बी डी, ए बी डी और पूरे का एरिया कंटा करो। इसको करने का तरीका क्या है, हम मान लेते हैं बड़े वाले का एरिया 8 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, 8 से होगा फ्रैक्शन नहीं है, देखिए समझिएगा, यदि बड़े का एरिया 8 मानेंगे तो डीबी आधा कर देगा, डीबी का होगा डायगोनल आधा आधा करता है, तो यह 4 हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब बात रही हम लोग को निकालना ए पी क्यू का निकालना, देखिए कैसे निकलेगा बताइएगा ध्यान से, इसको पहले मिला देते हैं, तो नीचे भी 8 पूरा मान है तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, एसी के नीचे भी 4 और एसी के ऊपर भी एरिया क्या होगा 4 होगा, 4 होगा और यह मिड पॉइंट है, देखिए ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग, ए बी सी ट्रायंगल में क्यों क्या है मिड पॉइंट है, ये मीडियन का काम करेगा तो एरिया बराबर होगा, क्योंकि यह भाग और यह भाग बराबर है, कुछ भी हो एरिया बराबर हो जाएगा, तो 4 में या 2 हो जाएगा यह भाग और यह भी क्या हो गया 2 भाग, और यह पूरा एरिया क्या होगा यह भाग पूरा क्या हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी पर उधर भी हो गया, ऊपर भी ए सी के ऊपर 4 एरिया होगा तो यह मिड पॉइंट है, ए सी के ऊपर यह मिड पॉइंट हो गया, यह भी एरिया 2 और यह वाला भाग का भी एरिया क्या होगा। अब इधर से ये दो दो निकल के क्लियर है, अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिला दें। अब एक बात बताइए, यदि मिड पॉइंट है पी क्यू, मिड पॉइंट है किसका ए बी और ए सी का मिड पॉइंट पी क्यू है, तो आपको मालूम है यह भुजा 1 तो यह पूरा भुजा 2 हो जाता है और इसका एरिया 1 इसका एरिया 3, पता है कैसे, क्योंकि साइड का अनुपात 1:2 एरिया का अनुपात 1:1, 2:4, तो छोटे वाले के एरिया 1, बड़े वाले के एरिया 4, 4 में 1 निकल गया, नीचे के एरिया 3, ऊपर के एरिया 1, तो ये बताइए, तो यह डीबी जब मिलाया ऊपर एरिया 4 होगा, 4 में देखिए ऐसा फिगर बना क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यह पूरा क्या होगा 3 हो जाएगा, तो यह तो 1 निकल गया ना, क्लियर। अब बताइए, अब क्लियर हो गया, इस ट्रायंगल के एरिया निकल जाएगा यह 2 और 1 3 2 5, बीच में कितना बच गया 3 लेना पड़ेगा 8 होने के लिए, 8 होने के लिए 2 2 4 1 5 बीच में 3 लेना होगा, इसका आंसर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यार आया भी है आगे भी आ सकता है, ठीक। तो रेक्टेंगल में सेम रिजल्ट होता है, इसमें भी सेम रिजल्ट होगा, बात क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप सारे पास समझ पाए होंगे, इसको दोबारा देख लें क्योंकि आज थोड़ा फास्ट किए, ठीक है ना, तो खैर कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगी होगा, क्योंकि अभी पार्ट डिटेल चल रहा है तो सब में एक ही बात इधर उधर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए